गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सोमनाथ कलचड़ी सर, आपका ड्राइंग सर। आज हम क्या सीखने वाले हैं? फिश ड्रॉ करना और उसी के साथ फिश को कलर करना। यदि आपके पास कलरिंग ड्राइंग बुक हो तो कलरिंग ड्राइंग बुक में ऑलरेडी फिश ड्रॉ की ये सो है, उसको आप खाली कलर करना है। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी फिश किस तरह ड्रॉ करना है ये हम आज सीखने वाले हैं। कर्व लाइन, उसके बाद इधर ऐसा एग के जैसा लाइन है, लाइक दिस, आसान है। ओके, इस तरह है, नो प्रॉब्लम। हाँ तो बच्चों, अभी देख लीजिएगा, कलर करना स्टार्ट करना है। कौन सा कलर लेना है? कौन से भी कलर ले लो, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी मैं पैरेट ग्रीन ले लेता हूं। इधर कुछ लाइन खींचूंगा, ये कौन से लाइन है देख लीजिएगा, ये कौन से लाइन है? ओके, कौन से लाइन है? ये रिदमिक लाइन। ओके, चार पांच रिदमिक लाइन यहां पर खींच देने हैं। अंडरस्टूड? वेरी गुड। उसके बाद कलर चेंज, दूसरा कलर ले लो। मैं डार्क ब्लू लेने जा रहा हूं। फिर दूसरा कलर ले लीजिएगा, कौन सा कलर रही है? ऑरेंज कलर। ओके, फिर नेक्स्ट कलर ले लीजिएगा, कौन सा भी ले लीजिएगा। डार्क ग्रीन कलर मैंने ले लिया है, ये रिदमिक लाइन। यहां भी एट ए टाइम आप खींच दिया तो भी चलेगा। फिर नेक्स्ट ऑरेंज कलर, इस तरह करते जाना है। रिदमिक लाइन के ये लाइंस हैं, सभी एक दूसरे के डुप्लीकेट आने चाहिए, एक दूसरे को पास पास और डुप्लीकेट लाइन खींचने की कोशिश करना है। ऑयल पेस्टल से लाइन खींचा तो भी चलेगा, या फिर वैक्स क्रेयॉन्स आपने यूज किया तो भी चलेगा, कलर पेंसिल यूज किया तो भी चलेगा, या फिर कलर स्केच पेन यूज किया तो भी चलेगा, या फिर अभी बाजार में क्या आए हैं, ब्रश पेन आए हैं, ऑलरेडी स्केच पेन के जैसा रहता है और उसके सामने ब्रश रहता है और उसमें कलर भी रहता है। ब्रश आप खरीद कर ले सकते हैं। क्या बोलना है? बाजार में जाकर ब्रश स्केच पेन दे दीजिएगा या फिर ब्रश पेन दे दीजिएगा। ओके, यहाँ पर जिलेबी जैसा लाइन खींचना है, लाइक अ जिलेबी मीन्स स्पाइरल लाइन, कौन सा भी कलर ले लो और ये खींच डालो। ऐसे भी लाइन खींचने आनी चाहिए और उसी के साथ उल्टे भी लाइन हमें खींचने आनी चाहिए। हर समय कलर चेंज करते जाइए, नो प्रॉब्लम। हर समय क्या करना है? कलर चेंज करते जाना है। आसान है ना? लाइट स्काई ब्लू, उसके बाद ब्लैक, एक दो जगह पर दे डालो, रेड, येलो का स्पाइरल लाइन, उसके बाद ब्राउन का स्पाइरल लाइन, ग्रीन का स्पाइरल लाइन, ब्लू का स्पाइरल लाइन, पास में ब्लू नहीं आना चाहिए, दूसरा कलर लेना चाहिए था। ओके, इस तरह पिक्चर अच्छी तरह से कंप्लीट होने जा रहा है। अभी ब्राउन कलर का स्पाइरल लाइन, अच्छा दिख रहा है ना? ओके, यहां पर येलो कलर देना है हमें, उसके बाद आंख में ऑरेंज कलर देना है। येलो कलर देना तो आसान है, फर्स्ट बॉर्डर कलर करना है, उसके बाद अंदर फर्स्ट बॉर्डर कलर करना है, उसके बाद मिडल वाला कलर हमें कर देना है। ओके, पानी के वेव्स को कौन सा कलर देना है? स्काई ब्लू और डार्क ब्लू। वेव्स कैसे दिखाई देंगे? इस तरह दिखाई देंगे।
लाइक दिस, रिदमिक लाइन या फिर वाटर के वेव्स, ये स्काई ब्लू की लाइन, फिर डार्क ग्रीन की लाइन, पूरा पेज भर के कर देना है, अच्छा दिखेगा। हाँ तो बच्चों, मेरा फिश कलरिंग कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिएगा, अच्छा दिख रहा है ना, वेरी गुड। इस तरह आपको भी दो तीन बार प्रैक्टिस करना है घर में। ओके।